इतने खुश होकर लोग जा रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं शिखर का, विश्वनाथ मंदिर जी के स्वर्ण मंडित शिखर का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद आकर वहीं से दर्शन किया था, वहीं से गंगा जी को जल चढ़ाते हुए, आचमन करते हुए अंदर प्रवेश किया था। ये देखिए, दर्शन कीजिए आप इनका। देखिए, हाथ में इन्होंने लिया भी हुआ है विश्वनाथ जी का, काशी विश्वनाथ जी का शेष भाग जो जीर्णोद्धार में इन्होंने स्थापित करवाया। और इधर देखिए, भारत माता का दृश्य है। देखिए, ये शिखर दर्शन है, कीजिए आप विश्वनाथ जी का। हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जैसा कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप कैसे, भैया आप कैसे यहाँ पर प्रांगण में आकर वीडियो शूट करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। बहुत सारे बाहर के लोग भी मुझे कमेंट में पूछा है लोगों ने कि कैसे यहाँ तक मोबाइल लाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप चौक वाले द्वार से आएंगे, जो ज्ञानवापी वाला द्वार है, वहाँ से एंट्री से पहले ही मोबाइल जमा करना होता है लॉकर्स में। और यहाँ क्या है कि आप अंदर प्रांगण में भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कैसे आप आते हैं। और गेट नंबर एक, ये जो कि आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा द्वार है, सबसे खूबसूरत द्वार यही है। यहाँ पर लोग आते हैं, वीडियो शूट करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं आगे बताता चलूँगा। रास्ता शुरू से दिखाऊँगा, गोदोलिया वाले चौराहे से लेकर यहाँ तक का आपको दृश्य दिखाऊँगा, पूरा लैंडमार्क के साथ आपको बताऊँगा। पीछे वाला दृश्य भी आप देखिए वहाँ पर, ये आप जब चढ़ेंगे ऊपर तो आपको सामने दिख रहा है। इधर इस साइड है भारत माता और इस साइड हैं अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार कराया था। और सामने वो जो द्वार है, वो द्वार आप देखिए मेरी उंगली पर, ये द्वार जो है, ये है गेट नंबर एक का मुख्य द्वार, जहाँ के बाद से आपको एंट्री मिलती है विश्वनाथ दर्शन के लिए। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं, चलिए। और ये लैंडमार्क देखिए, ये है गोदोलिया चौराहा। आप देख सकते हैं ऊपर पिलर पर नंदी महाराज बैठे हैं उधर की तरफ, क्योंकि उधर की तरफ से गेट नंबर चार विश्वनाथ मंदिर का रास्ता जाता है, जो ज्ञानवापी वाला है, चौक वाला भी आप कह सकते हैं उसे। और यहाँ से आने के बाद आप इधर पढ़ेंगे और इधर से मैं आपको ले चलता हूँ उस तरफ जहाँ मोबाइल आप ले जा सकते हैं प्रांगण में। एक लैंडमार्क और देखिए, उसी रास्ते में चलते चलते आप सीधे आएंगे तो यह संतुष्टि साड़ी है, काफ़ी फेमस है। और उधर स्वयंवर, और यही रास्ता पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये गोदोलिया वाला रास्ता पकड़ के सीधा आए हैं और यहाँ पर भी एक द्वार है, आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ द्वार लिखा हुआ है। ऊपर महाराज जी बैठे हैं, शंकराचार्य महाराज जी। इस रास्ते में आपको नहीं जाना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस रास्ते में नहीं जाना है, आप भटक कर इस रास्ते में भी जा सकते हैं। इसका सीधा आगे बढ़ना है, मतलब गोदोलिया चौराहे से एकदम सीधा। बाद ये आप लैंडमार्क फिर से देख लीजिए, ये इधर दशाश्वमेध घाट जाने का रास्ता है और इधर राजेंद्र प्रसाद घाट जाने का रास्ता है। यहीं से आपको आगे की तरफ बढ़ना है और गली में मुड़कर आपको ले जाऊंगा मैं विश्वनाथ मंदिर वाले उस द्वार पर, जहां आप मोबाइल ले जा सकते हैं। इस मार्ग पर आप जब जाएंगे तो आपको राजेंद्र प्रसाद घाट मिलेगा, लेकिन आपको इधर नहीं जाना है। और इधर मान मंदिर है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा भी हुआ है मान मंदिर, लेकिन आपको इधर जाना है। ये लैंडमार्क ध्यान रखिए, इधर जाना है और इधर आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं मंजिल पर। गली में अंदर घुसने के बाद इधर वैभव लॉज है और फिर आपको सीधे जाते जाना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप रास्ता गड़बड़ा सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड आया, कमेंट में आया कि सर आप कैसे वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आप फ़ोटो वीडियो सब शूट कर लेते हैं। मैंने सोचा आज एक प्रॉपर वीडियो बना ही दूँ, आप लोग को पूरा मार्ग बता दूँ जहाँ तक मोबाइल आप आराम से ले जा सकते हैं बिना किसी परमिशन के, बिना किसी परेशानी के। इधर देखिए लॉकर्स वगैरह भी है, हालांकि इन लॉकर्स पर कोई भी चीज़ जमा करने का चार्ज लगेगा, आप अंदर ही लॉकर है जो फ्री लॉकर सुविधा है, उसका फ़ायदा उठाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से फ्री लॉकर सुविधा मिलेगी। ये देखिए, फिर सीधा अंदर आते जाएंगे आप, जैसे जैसे रास्ता सामने की तरफ जा रहा है हल्के मोड़ के साथ, वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे।
कुछ लैंडमार्क्स बताते चलूँगा ताकि आप रास्ते गड़बड़ाएं ना। देखिए विदेशी सैलानी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं, आप देख सकते हैं आगे विदेशी सैलानी हैं। और इधर एक लैंडमार्क देख लीजिए, त्रिपुरा भैरवी माता मंदिर, ये देखिए ये एक लैंडमार्क हो गया आपके लिए। इसे सीधा जाना है। सैलानियों की संख्या देखिए पूरे ग्रुप में आए हुए हैं, ये सिर्फ विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ गली बनारस को एक्सप्लोर करने देख सकते हैं। देखिए साड़ियों की दुकानें हैं, इधर हैं बीच बीच में आपको सुंदर सुंदर दुकानें देखने को मिलेंगी। इधर आप देख सकते हैं धार्मिक सामानों की दुकान है, देखिए इधर यहाँ पर देखिए रुद्राक्ष की माला और तमाम मालाएं जो हैं उसकी दुकान पड़ेगी। सीधा जाना है, आप देख सकते हैं इसमें देखिए विशालाक्षी मंदिर जाने का रास्ता, इधर नहीं मुड़कर सीधे जाना है, यानी कि एकदम सीधे। और अब इधर देखिए बस सामने आपको दिखने वाला है विश्वनाथ मंदिर का प्रांगण। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लॉकर सुविधा अंदर फ्री में है, उसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ जमा करने पर आपको 150 से 200 रुपये तक का सामान लेना पड़ता है, देखिए। और ये देखिए ओंकारेश्वर भवन, लोग आपसे बोलेंगे मोबाइल जमा करने को अलाउ नहीं है, ऐसे वैसे कुछ सारी बातें कहेंगे लोग, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर से इस मार्ग से आप आराम से मोबाइल ले जा सकते हैं। आप एकदम नज़दीक आ गए हैं, आप देखे होंगे बीच में पुलिस की सिक्योरिटी भी थी और वो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और ये वो कैंपस है, देखिए यहाँ कितनी बार मैं आपको आके दर्शन कराया हूँ और लोग यहीं के लिए मुझसे कितनी बार पूछे हैं कि आप कैसे अंदर तक जाते हैं, कैसे परमिशन लेते हैं। और इधर देखिए आप दर्शन कर रहे हैं शिखर का, विश्वनाथ मंदिर जी के स्वर्ण मंडित शिखर का। ये सुखद पल की पहले अनुभूति लीजिए, और अगर कोई इच्छा है तो वो आप जो ना आ पा रहे हो वो यहीं से पूर्ति कर सकते हैं। और फिर इधर आप आएंगे, इधर आपको दिखेगा मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर वाला जो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है ये वही दृश्य है। ये देखिए अंदर के प्रांगण का दृश्य आप देख सकते हैं, लोग उधर लाइन लगाए हुए हैं। ये फुल जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ लाइन लगी हुई, धीरे धीरे प्रवेश मिल रहा है। ये है विश्वनाथ मंदिर के अंदर का दृश्य, यहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं और मोबाइल ला सकते हैं। अभी आपको गेट नंबर 1 के द्वार तक ले जाऊँगा, जो भव्य विशाल द्वार है, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद आकर वहीं से दर्शन किया था, वहीं से गंगा जी को जल चढ़ाते हुए आचमन करते हुए अंदर प्रवेश किया था। ये देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए जी अब यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं इस धरी सीधे। अब जब आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर कुछ लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आपको ले जाएंगे गेट नंबर 1 काशी विश्वनाथ का, जो भव्य द्वार है सबसे बड़ा वाला, वहाँ ले चलेंगे गंगा के तीरे ललिता घाट वाले जगह पर आपको ले चलते हैं। ये सीधे चलना है आपको बस, यहाँ से आप मुड़ेंगे और सीधा आ जाएंगे आप इधर इस मुख्य परिसर में जहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। यहीं पर भारत माता मंदिर है, भारत माता की प्रतिमा है, ये देखिए अहिल्याबाई होलकर जी हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, रेनोवेशन कराया था, यानी फिर से बनाया था, आपको उसका भी दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए ये मुख्य द्वार है, ये देखिए ये हैं महान विभूति, दर्शन कीजिए आप इनका। देखिए हाथ में इन्होंने लिया भी हुआ है विश्वनाथ जी का, काशी विश्वनाथ जी का शेष भाग जो जीर्णोद्धार में इन्होंने स्थापित करवाया।
ये देखिए, और अब इधर आइए आप, और इधर देखिए भारत माता का दृश्य देखिए, और इधर देखिए, इधर है प्रवेश द्वार, और आपको शिखर दर्शन यहाँ से भी हो रहा होगा। ये देखिए, यह है विश्वनाथ मंदिर का शिखर का दर्शन कीजिए आप। ये है गेट नंबर एक, आप देख सकते होंगे गेट नंबर एक लिखा हुआ है, और वो होगा आपको शिखर दर्शन। फुल जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये शिखर दर्शन है कीजिए आप विश्वनाथ जी का। अब ये देखिए पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस द्वार के खुलने का समय क्या है, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे तक ही खुला रहता है, इसलिए 7 बजे के पहले तक अगर आप आएंगे तभी यहाँ से अंदर दर्शन कर पाएंगे, बाकी आप इधर इस प्रांगण में आप आ सकते हैं 7 बजे के बाद भी, जिस रास्ते को मैंने आपको दिखाया है, और उधर घाट वाले रास्ते से आप आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो मेन जो द्वार है, जो भव्य द्वार है, अभी मैं उसका भी दर्शन कराता हूँ, वो बंद हो जाता है 7 बजे तक। बाकी जो मैंने आपको रास्ता दिखाया है शॉर्टकट वाला, वहाँ से आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और मोबाइल भी ला सकते हैं, जैसे मैंने आपको लाकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है। देखिए, ये वो दर्शनार्थी हैं जो गंगा वाले मार्ग से आ रहे हैं आचमन करते हुए, और अब जा रहे हैं दर्शन को। कुछ लोग जल भी लेके चढ़ाते हैं यहीं से। महादेव जी का नाम, कितने खुश होकर लोग जा रहे हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन को ये देखिए, ये आया भव्य द्वार, गेट नंबर एक ललिता घाट के पास का ये भव्य द्वार। और अभी आपको आगे ले चल के दिखाता हूँ कि लॉकर की सुविधा जो फ्री वाली है वो कहाँ पर है। मैंने क्यों मना किया था कि बाहर आपको कहीं भी कुछ भी जमा नहीं करना है। ये वो भव्य द्वार है, और बस आगे लॉकर आप देखिएगा उधर, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टिकट काउंटर और फ्री लॉकर सुविधा। और टिकट वो है आरती के लिए, यहाँ देखिएगा आरती के लिए टिकट काउंटर है, और टिकट के प्राइस भी लिखे हुए हैं, मंगला आरती और जो नॉर्मल आरती होती है उसका। देखिए पढ़िए, ये है फ्री लॉकर सुविधा, यहाँ देखिए लॉकर्स रखे हुए हैं, और ये पढ़िए, VIP दर्शन के लिए 300 प्रति है व्यक्ति, और मंगला आरती 350, जो एक और आरती होती है 180 रुपये में है। वो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और जहाँ से आप अपना लॉकर जो सुविधा है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये है लॉकर्स जहाँ पर आप फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं, बाहर आपको कम से कम 150 से 200 रुपये देने होंगे लॉकर पर सामान रखने के लिए। कि ये नीचे लॉकर सुविधा है, और इधर ये दृश्य आप ये देखिए, यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, कुछ टिकटॉकर टिकटॉक वीडियोस भी बनाते हैं यहाँ पर आने के बाद। और यहाँ का व्यू देखिए, क्या नज़ारा है, ये देखिए, ये नज़ारा देखिए, ये है विश्वनाथ मंदिर के द्वार का प्रवेश। मंदिर की सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी अभी आकर गया है वापस, और सिल्ट जमा हो गया, आप ये देखिए,
मोटा मोटा सिल्ट जमा हो गया है, नीचे भी देखिए। इस वजह से अभी लोग यहाँ से उतर चढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये सीन देखिए, अभी भी बाढ़ का छोटा स्वरूप देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हैं पिलर पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर आकर फ़ोटो वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ तक आप कैमरा ला सकते हैं प्रांगण के अंदर तक। जैसे कि सब लोग यहाँ पर आए हैं लेकर एंजॉय कर रहे हैं।